ए व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एडिट्स। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए टॉक लवर्स फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाया हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर देना लाइक, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर देना शेयर, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिए। अभी आप लोगों में इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा एडिट करने वाला हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में जाना होगा। ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट जो होगी उसकी मैं थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ाऊँगा। क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। सैचुरेशन को रहने देता हूँ। हाईलाइट होगी वो थोड़ी सी बढ़ानी हुई गई, ठीक है। और जो शेडोज होगी वो यहाँ से कम कर दूँगा, और टेम्परेचर को भी कम कर दूँगा। सो गाइस, देख सकते होंगे पहले मेरी कुछ फ़ोटो कुछ इस टाइप सी है, तो देख लो आप लोग डिफरेंस गाइस, ठीक है। अभी आप लोगों को अपनी मॉडल की फ़ोटो को ऐड करना होगा, तो जल्दी से वो भी मैं कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी मॉडल की फ़ोटो को पहले सिलेक्ट कर दूंगा, और इसी टूल्स की मदद से हम लोग इसको इरेज कर देंगे। तो गाइस, ये रहा हमारा मॉडल। अभी मैं इसको यहाँ से सेट कर दूँगा और यहाँ से इरेज कर दूँगा गाइस, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग एक इरेजर का ऑप्शन दिख जाएगा, अब वहाँ से इसको इरेज कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ से साइज अपने हिसाब से रख सकते हो, और ऑपेसिटी में थोड़ी सी कम कर दूंगा, और यहाँ से इस बैकग्राउंड को इरेज कर देना होगा। सो गाइस, फाइनली मैंने अपने मॉडल की फोटो को इरेज कर ले। अभी आप लोगों को एक और एम्प्टी लेयर लानी होगी, और अभी आप लोगों को एक लॉक का पीएनजी लाना होगा गाइस। इसकी लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, सेट हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको कर देंगे डन। डन हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हो कि हमारा मॉडल और बैकग्राउंड का जो मैच नहीं हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोग टूल्स में जाना। टूल्स में जाने के बाद जो मैं सेटिंग करने वाला हूँ वो आप लोग कर देना गाइस, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना होगा, सैचुरेशन को कम कर देना होगा। अभी आप लोगों को सैचुरेशन थोड़ा सा कर दूँगा, और यहाँ से ये देख सकते होंगे बहुत बढ़िया इफेक्ट्स आ गया। अभी हाईलाइट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, और शैडोज होगी वो थोड़ी सी हल्की सी ऊपर करूँगा, और टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करूँगा, ठीक है। सो गाइस, देख सकते होंगे मेरी पहले फोटो इस टाइप की थी और इस टाइप की हो गई। सो गाइस, बहुत ही बढ़िया हमारी पिक लग रही है। अभी आप लोग यहाँ से कर दूँगा डन। अभी आप लोग को एफेक्ट्स ऐड करने होगी गाइस। एफेक्ट्स ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोग एफेक्ट्स में जाना होगा, और यहाँ से आप लोग एच डी आर। तो गाइस, यहाँ पर एच डी आर थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दूँगा, और यहाँ पे आप लोग स्लाइड करना, और यहाँ से आप लोग ड्रामा गाइस, ठीक है। ये ड्रामा बहुत ही कमाल का यार इफेक्ट है गाइस, देख सकते होंगे वाइटनेस आ रही है हमारी फेस पे। सो इसे भी कर दूंगा डन। सो गाइस, अभी आप लोग एक लास्ट आप लोगों को फिल्टर ऐड करना होगा, वो लूमो का होगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते होंगे काफ़ी बढ़िया हमारी फोटो लग रही है, और बढ़िया। अभी इस फोटो को कर दूँगा डन गाइस, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया लगी। अभी आप लोगों को शेडोज यहाँ पे बनाएगी, क्योंकि यार शेडोज के बिना ये फोटो जो लग रही है वो डुप्लीकेट सी लगेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग पहले शेडो क्रिएट कर लेना। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग ड्रॉ टूल्स में जाना, और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लेना, और यहाँ से आप लोग साइज अपने हिसाब से रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस, हल्का हल्का सा करना है गाइस, ठीक है। ये देख सकते होंगे बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों को कुछ ज़्यादा लग जाए तो यहाँ पे ऑपेसिटी आप लोग कम कर सकते हो। तो मैं 47-50% रख देता हूँ यहाँ पे, और गाइस बहुत ही बढ़िया लग रही है, और यहाँ से कर दूँगा डन गाइस, ठीक है। सो गाइस, अभी आप लोगों को टेक्स्ट चेंज ही ऐड करनी होगी गाइस, ठीक है। वो मैं भूल गया था, बट कोई बात नहीं, अभी कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख दूंगा डॉग लवर्स गाइस, ठीक है। और यहाँ पे करीब इतने सेट करने होंगे,
कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा और यहाँ से कर दूंगा देन। सो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।